सो है गाइस, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। सबसे पहले गाइस, आप इन सभी पिक्चर्स को देख लीजिए जो अभी रिसेंटली में मैंने बनाए हुए हैं। एंड भाई, ये जनरेट कैसे किया जाता है वो सब बाद में बातें करते हैं। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक प्रॉम्प्ट तैयार करना होगा जो कि मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर मिलता है। तो भाई, अगर आपको भी कुछ ऐसी प्रोफाइल फ़ोटोज चाहिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। इन इमेजेस को जनरेट करना दोस्तों एकदम आसान है, और एक अच्छी बात कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप विदाउट इसमें पैसे लगाए आप आराम से दोस्तों जनरेट कर सकते हैं अपनी मन चाहिए जो भी आपको प्रोफाइल फ़ोटो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो भाई, हमारी इस वीडियो का पहला स्टेप जो है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च करना है आपको बिंग इमेज क्रिएटर। फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। इस पर सिंपली क्लिक करना है दोस्तों, एंड अपने दोस्तों अकाउंट से इसको लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है। अब ये रहा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट बिंग का होम इंटरफेस। बस क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट टू सी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट टू सी, हाउ इमेज क्रिएटर वर्क्स, सेलेक्ट सरप्राइज मी। तो भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है, बस सिंपली आपको यहाँ पे जो भी मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगा उसको दोस्तों यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। तो भाई, पेस्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से हो जाता है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी प्रॉम्प्ट आप खुद से भी लिख रहे हो तो आपको दोस्तों यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा से दोस्तों इस प्रॉम्प्ट जो होगा वो लिखना होगा। एंड यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं कि जो प्रॉम्प्ट हमारा बंद होना चाहिए वो हमारा यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा से बंद होना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पर आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि मेरी प्रॉम्प्ट आप डाउनलोड कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पर ला के पेस्ट कर दीजिए। देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको कि आपको कहाँ कहाँ पे चेंज करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप। तो आप दोस्तों यहाँ पे कोई भी अपना जो है, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उसको दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्नैपचैट। ठीक, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको जो भी यहाँ पे सोशल मीडिया जो आपकी साइट प्लेटफॉर्म है उसका दोस्तों यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास के भीतर में लिख रहा है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूट्यूब। ठीक, यूट्यूब दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि प्रोफाइल पेज भी था प्रोफाइल नेम। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोफाइल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे चैनल का नाम। अब यहाँ पे दोस्तों मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना दोस्तों यहाँ पे नाम लिख दिया। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। सिंपली आप देख सकते हैं कि ये क्रिएटिंग पे क्लिक हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि आपको सजेशंस दे रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ट्राई, उसके बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्यूट कलर रोबोट ऑन सफारी डिजिटल आर्ट, ऐसा कुछ सर्च करते हैं तो ये इस तरीके से आता है। तो भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे चार जो है आइकन्स आ चुके हैं। अब आपको कैसा चाहिए आपके प्रोफाइल फ़ोटो के लिए, तो भाई जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। एंड मेरा नाम यहाँ पे दोस्तों इसने पीछे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसने गलत लिखा हुआ है प्रोफाइल जो है। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जूम करके दिखा दूँ, तो यहाँ से क्या करते हैं, सिंपली कट करते हैं, देखते हैं कि किस वाले पर इसने राइट लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर इस वाले पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ये एकदम कूल लग रहा है मेरे प्रोफाइल फ़ोटो के लिए। तो यहाँ से सिंपली आप दोस्तों यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है। तो आप इस डाउनलोड वाले पे सिंपली क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे परमिशन मांगेगा, तो आप इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी के दोस्तों और भी, चलिए हम इसमें चेंजेस करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई, अब इसके प्रॉम्प्ट में हम चलिए थोड़ी सी और चेंजिंग करते हैं, और भी आपके हिसाब से जो अच्छा लगे तो आप दोस्तों इसमें कर सकते हैं। क्रिएशन में अभी जो हमने किया हुआ था तो कुछ इस तरीके से आया हुआ था। इसमें चार चीज़ें एक बार में आती हैं, आपको जो चीज़ें चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों बस सिंपली थ्री डॉट जो है उस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना होगा। अब यहाँ से दोस्तों चलिए हम थोड़ी बहुत और चेंजिंग कर सकते हैं। लाइक, अगर आप इस वीडियो को जो देख रहे हो, अगर बॉय हो तो आपके लिए तो ये ठीक है, अगर आप गर्ल हो तो आपके लिए यहाँ पे दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें चेंज करनी है। सबसे पहले चलिए हम पहले अपना बॉय वाला ही देख लेते हैं, देन उसके बाद हम गर्ल वाले पर क्लिक करेंगे। तो भाई, यहाँ पे अभी हमने सोशल मीडिया लोगो जो था यूट्यूब था, इसको यहाँ से हम चेंज करके भाई यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं। ठीक, इंस्टाग्राम दोस्तों यहाँ पे बेसिकली कर दिया। अब यहाँ पे नाम दोस्तों वही रख देते हैं, बस यहाँ पे चलिए कैरेक्टर मैं बदल लेता हूँ, अपना जो स्पेलिंग है उसको यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, क्रिएट पर क्लिक कर देना है। सिंपली क्रिएट वाला थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसिंग टाइम लेता है, एंड ये एकदम अमेजिंग आपको देता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके रिसेंट में जितने भी आपने
किए हुए हैं टास्क, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी मैंने कुछ कुछ यहाँ पे बनाए हुए हैं एकदम अच्छे अच्छे, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से बनाया। अभी ये जो मैं अभी बना रहा हूँ क्रिएट हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ मैं। सो भाई आप देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे इसने प्रोफाइल फ़ोटोज़ यहाँ पे बना के रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का बिल्कुल मस्त सा बना के रखा हुआ है। मैंने इसको पहली बार जब क्रिएट किया था मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी अच्छी फ़ोटोज़ बना के दे सकता है। बस सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 3 डॉट है इसी पे सिंपली आपको क्लिक करना है, बस डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाना है। देन उसके बाद ये आपसे जो है आस्क करेगा कि आपको यहाँ पे कहाँ डाउनलोड करना है, तो आप दोस्तों उस पर अपना फाइल लोकेशन दे करके डाउनलोड कर लीजिएगा। देन उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप उन सभी पर सेलेक्ट करके अपना आराम से दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों आप इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट अभी जो आपको यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये अगर आप बॉय हो तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप गर्ल हो तो क्या करना है यहाँ पे दोस्तों कुछ चेंजिंग करनी है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, क्रिएट अ 3D इलस्ट्रेशन ऑफ एन एनिमेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे एनिमेटेड, फिर उसके बाद क्या करना है ये कैरेक्टर हटा के क्या करना है आपको गर्ल लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे अब गर्ल लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं गर्ल, फिर उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर आप है हैंडसम, फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है गर्ल करना है। गर्ल करने के बाद दोस्तों शीटिंग कैजुअली ऑन टॉप ऑन सोशल मीडिया लोगो इंस्टाग्राम को यहाँ पे हटा के दोस्तों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपका टिकटॉक कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे टिकटॉक कर देता हूँ। ठीक, टॉक दोस्तों यहाँ पे भी हम क्या करते हैं गर्ल कर देते हैं। ठीक, कैरेक्टर की जगह पे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अब आप देख लीजिएगा कि है मस्ट वियर मॉडर्न ड्रेस सच एज शॉर्ट, तो यहाँ पे दोस्तों आप फुल पैंट कर सकते हैं और भी अपना जो जिस हिसाब से दोस्तों आपको कपड़े पहनवाने हैं तो उस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे द बैकग्राउंड ऑफ द कैरेक्टर इज मॉक्ड, फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे कैरेक्टर को डिलीट करके यहाँ पे गर्ल लिखते हैं, गर्ल। तो फिर उसके बाद भाई अब क्या करेंगे हम यहाँ पे मॉक्ड ऑफ हिज इंस्टाग्राम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको किस पे सिट करवाना है आप अपना जो कैरेक्टर है अपनी फ़ोटो को या फिर खुद को किस पे जो है सिट करवाना है, तो आप यहाँ पे चेंज करके लिख लीजिएगा। अभी के लिए यहाँ पे इंस्टाग्राम ही रहने देते हैं। फिर प्रोफाइल पेज आप यहाँ पे विथ अ प्रोफाइल नेम, तो इस पर सिंपली क्लिक करके मेरे भाई यहाँ पे अपना नाम, जैसे कि अभी के लिए आपका नाम यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ और लिख लेना है, जैसे कि एनिमेटेड यहाँ पे दोस्तों ब्यूटीफुल लिख लेता हूँ मैं। ठीक, ब्यूटीफुल। देन उसके बाद यहाँ पे फिर क्रिएट पे सर्च करता हूँ। ठीक, तो अभी यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है। तो वही अभी आपके सामने दो फोटो जिसने डेमो के लिए भेजी हुई हैं, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है एंड आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो भाई स्पेलिंग वगैरह में ये थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, तो आप एक बार फिर से टाइप करके आप फिर से रीजनरेट करिएगा, हो जाएगा। वैसे ये काफ़ी फ़ोटो अच्छी लग रही है एंड आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड वाली जो इसने बनाई है ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आप इस तरीके से मेरे भाई आप आराम से कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये जो प्रॉम्प्ट अभी लिखा हुआ है आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ये जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दोस्तों इसको आराम से टाइप कर दे रहा हूँ। आप यहाँ से कॉपी करके आप डायरेक्ट जो है उसमें पेस्ट कर दीजिएगा। बाकी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक करके शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड साथ साथ सब्सक्राइब करना चैनल को। चलिए, बाय बाय।